क्या बात है खाला, ये चुप चुप क्यों लग रही हैं? क्या सोच रही हैं? बेटा सोच रही हूँ कि गांव वाला घर काफी दिनों से बंद पड़ा है, बहुत गंजमा हो गया होगा। अब हसन को फुर्सत मिले तो मुझे वो वहाँ छोड़कर आए। लेकिन आप लोग तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना? हाँ, ये घर भी अपना ही होगा, मगर मेरे लिए तो पहले वही वाला घर है ना, वही हमारी बुनियाद है। और फिर हमारी जमीनें भी तो हैं वहाँ पर, जमीनों से तो रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। खाला वैसे आप लोग यहाँ शिफ्ट हो ही रहे हैं तो उस घर को बेच दें, यहाँ एक अच्छा सा घर ले लें। वैसे भी हसन इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि वो इतने बैकवर्ड से इलाके में जाके रहे, क्या दुख बनता है? अरे नहीं बेटा, हसन वहीं पैदा हुआ, वहीं पला भरा, वहीं उसकी तालीम हुई, वो हसन की पहचान है और इंसान को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। सब कुछ बहुत ही पुरानी बातें। अच्छा छोड़े, रात के खाने में क्या खाएंगे आप? क्या बनाऊं? तुम बनाओगी? हाँ तो और कौन बनाता है, मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, वो मैंने कभी तुम्हें किचन में काम करते नहीं देखा ना, हमेशा मेहरबानो ही करती है। मेहरबानो, जिसको देखो हर वक्त मेहरबानो की बातें करता रहता है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने ना उसकी तस्वीर बना ली हो। और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को, भाई की तरह ना आप लोगों भी इसमें कुछ घोल के पिला दिया, पता नहीं क्या जादू कर दिया, जादू करनी ना हो तो। बेदहाने में तो आप सारे काम करती हैं, बेदहाने में आपने रूम से निकल आती हैं, और बेदहाने में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। मेहरबानो, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना भी नहीं खाया? जी वो दिल नहीं जा रहा। देखो बेटा, अब ये सब कुछ तुमने ही देखना है, तुम्हारे ही दम से समीना में हिम्मत है, तुम इस तरह उदास मत बैठा करो। फरिया को तो तुम जानती हो कि वो कितनी लापरवाह है, माँ के दुख को वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो उम्र की माँ है ना। अम्मी। जी बेटा। बात सुनिएगा, अम्मी ये वो 10,000 रुपए खाला को दे दीजिए, खर्चे के काम आएंगे। ठीक है बेटा, मेरे लिए खाना लगवा दे। नहीं नहीं भूख नहीं है मुझे। चल ठीक है। हसन था। यहाँ खड़ी क्या सोच रही हूँ? चल के हम दोनों खाना खाते हैं, हसन ने तो मना कर दिया। चलो आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। बहुत हो गया अम्मी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, बस जैसे ही सुबह होती है चलें बस। लेकिन बेटा हुआ क्या है ये तो बताओ। क्या बताऊँ, सुबह मैं और फरिया बाहर खड़े बातें कर रहे थे, अचानक से भाभी बेख्याली में वहां पे आ गई। फरिया ने ऐसी उन्हें बातें सुनाई है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो तुमने रोका नहीं?
उस वक्त मैंने सोचा कि इनके घर का मामला है, मैं क्या बोलूं, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे बोलना चाहिए था। तो भाई, इस लड़की की जुबान कितनी लंबी है। कुंवारी लड़की को इस किस्म की बातें करते शर्म आनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो फैसला आप करने जा रही थी वो हुआ नहीं, वरना हम दोनों को ना करदा गुनाह की सजा मिलती। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारी नीयतें जानता है, इसलिए हमें गलत फैसला करने से रोक दिया। समझ में नहीं आता, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सामने ये इतनी बदतमीजी करती है, हमारी गैर मौजूदगी में किस किस्म की जबान इस्तेमाल करती होगी। अरे बेटा, और तो और समीना का भी रवैया बड़ा अजीब है। आज मैं मेहरबानों के साथ बैठ के बातें कर रही थी, अरे वो बेचारी अपने बारे में और अपने माँ बाप के बारे में बता रही थी। और तुम्हें पता, माशाल्लाह उसने बीए पास किया हुआ। चलिए तो अच्छी बात है। तो समीना वहां आ गई और आते ही कहने लगी कि ये तुम लोग आपस में क्या गिले शिकवे कर रहे हो, और उस बेचारी को इतनी हकारत के साथ बुरा भला कहा और मुझे उठाकर जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। एक बात बताइए मुझे, फरिया और खाला जान की इन आदतों से आप पहले वाकिफ नहीं थी? नहीं बेटा, वो पहले ऐसी नहीं थी, ये बदलाव तो मैं अब उसमें देख रही हूँ। हम बहनों में कोई भी फर्क नहीं था। मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि लोग इतनी नफरत दिल में रखे कैसे जिंदा रहते हैं। समीना, मैंने रात हसन से बात की थी, वो भी काफी परेशान लग रहा था। क्या बात है? मुझे 2-3 हज़ार रुपए चाहिए। इस वक्त किस लिए चाहिए? देखा आपने खाला किस तरह ही कर रही है मेरे साथ। मैं अब कुछ मांग रही हूँ तो किसी वजह से मांग रही होंगी ना, शौक तो नहीं है मुझे, कुछ चीजें लेनी है मुझे। अरे समीना, बच्ची मांग रही है तो दे दो ना। क्या करूं अमीना, तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से, ये कोई वक्त है पैसे मांगने का? मेरा बेटा जिंदा था, मेरे हाथ पे लाके तनख्वाह रखता था, तो मैं फखर से बांटती थी, खूब खर्च करती थी। अब क्या करूं, मेरे भी हाथ खाली। हाँ तो पहले भाई होते थे ना, तो मुझे कभी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी, वो खुद ही लाके देते थे। अब तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। समीना तुम भी ना, देखो बच्ची को उदास कर दिया। चलो बेटा मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अरे अमीना, मेरा ये मतलब नहीं था। बस अमीना, ये हमारे आपस का मामला है, और हाँ आइंदा कभी भी मेरी बच्ची को किसी भी चीज के लिए मना मत करना। चलो आओ बेटा। खाला मैं पर्स लेके आ जाती हूँ। अरे मेरा पर्स तो मेहरबानों के कमरे में ही रखा हुआ है। चलो आओ मैं तुम्हें पैसे दूँ। मेहरबानो जी। अरे बेटा, तुम्हारे कमरे में मैंने पर्स अपना छोड़ दिया था ना। जी मैंने ये रखा है। ये पड़ा था। लो भाई तुम्हारे पैसे। भाभी कभी आप बाहर भी आ जाया करें, अकेली रूम में बोर हो जाती होंगी ना। आ जाऊंगी। पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे। क्या हुआ खाला? अरे बेटा, मैंने इसमें पैसे रखे थे, नहीं है? पैसे रखे थे? लाए दिखाए, मैं चेक करती हूँ। खाला इसमें तो वाकई पैसे नहीं है, आपने इसी में रखे थे ना? हाँ बेटा, मुझे हसन ने पैसे ला के दिए थे, और मेहरबानो मैंने तुम्हारे सामने ही तो पर्स में रखे थे पैसे। भाभी आपने तो देखा था खाला को पैसे पर्स में रखते हुए, आपने नोट नहीं किया, कहाँ गए? आपके अलावा और कोई आता भी तो नहीं है इस रूम में। क्या हुआ? अम्मी खाला के पैसे खो गए, चोरी हो गए। पैसे? पैसे कैसे नहीं मिल रहे, यहाँ आता कौन है इस घर में? हाँ देखें, खुद देखें, अभी हसन ने कल ही लाके दिए थे 10,000 रुपए। खुदा जाने कौन चोर बस गए इस घर में। मेहरबानो अच्छी तरह देखो, तुम्हारे कमरे से कैसे जा सकते हैं, चल के तो नहीं गए कहीं? जाओ ठीक से देखो।
खाला आपने भाभी की हरकत देखी, हमारी चीजें तो चुराती ही चुराती थी, अब तो आपके पैसे भी चुराना शुरू हो गई हैं। वैसे सच पूछो ना अमीना, तो मैं तंग आ गई हूँ इससे, बल्कि मुझे तो डर लगने लगा है। फरी की शादी का जेवर भी घर में ही रखा है। छोटी मोटी चीजों तक तो खैर थी, मगर अब तो। अम्मी आप प्लीज उनका कुछ करें। मगर समीना तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसी ने उठाए हैं पैसे? खाला आखिर अब भी कोई शक की गुंजाइश है? और आपने खुद ही बोला था कि उन्होंने आपको देखा था पैसे रखते हुए अपने पर्स में। हाँ देख तो वो बड़ी अजीब नजरों से रही थी मुझे। अमीना खाला ये पैसे साइड टेबल की दराज से मिले, देखा यही है इनके ड्रामे, पहले खुद ही पैसे छुपाती हैं और फिर मिल भी जाते हैं। अब बताएं हमने अच्छी तरह हर जगह ढूंढे थे पैसे, हमें मिले, इनको कैसे मिल गए? अमीना मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं उस परेशानी के लिए जो तुम्हें मेरी बहू की वजह से हुई। अब तो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए, उसकी गलती माफ कर दो। उमर भी उसकी इन हरकतों से बहुत जलता था, अक्सर उसकी चीजें छुपा देती थी और वो बेचारा कुड़ता रहता था। लेकिन समीना वो ऐसी लगती तो नहीं है। अब क्या कहूं तुमसे, तुम तो अपनी हो, लेकिन ये मेहरबानों मुझे कुछ नफसियाती लगती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसे समझा लें, या तो वो इस घर में रहेगी ना या मैं रहूंगी, वरना ना मैं अपने आपको मार लूंगी। ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तो फिर उसे समझाए कि मेरे रास्ते में आना बंद करे। ठीक है समझा दूंगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, ऐसे अनजान बन के हसन के सामने आती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, और हसन भी आंखें फोड़ फोड़ के उसे देख रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है फरीब, उसे अच्छी तरह पता है कि वो उमर की बेवा है, और मेहरबानों भी ये जानती है कि वो तुम्हारा मंगेतर है। अम्मी बिलाल भी जानता था। तो सारी पैकिंग कर ली है, बस आप भी कर लीजिएगा। तो क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं आप? समीना ने आज बड़ी अजीब बात बताई है। क्या हुआ? वो कह रही थी कि मेहरबानों को कोई नफसियाती मसला है, वो अपनी ही चीजें घुमाकर अपने ही कमरे में ढूंढ ढांड कर बरामद करती है। बेटा ये कोई नफसियाती मसला है क्या? क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? उस गरीब की हालत देखी आपने उमर की डेथ के बाद? नहीं, वो समीना कह रही थी कि उमर की जिंदगी में भी उसकी यही हालत थी जिसकी वजह से उमर बहुत परेशान था, पर समीना बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट भी मोबाइल भूल जाने की वजह से हुआ है। अल्लाह का नाम ले अम्मी, उस बेचारे की मौत एक हादसा थी और उसकी मौत का इल्जाम उसकी बीवी को ठहरा। अम्मी इस मौजू पर बात मत करें प्लीज। लेकिन बेटा पैसे रखते हुए मुझे सिर्फ मेहरबानों ने देखा था, और तो कोई नहीं था वहां। अगर वो पैसे मेहरबानों अपने कमरे में रख सकती है तो फरिया क्यों नहीं रख सकती? लेकिन फरिया तो कमरे में थी नहीं, तो फिर वो कैसे ले जा सकती है? अच्छा प्लीज मुझे आप ये बताइए कि आप सुबह मेरे साथ मुल्तान चल रही हैं या आप यहीं रुकेंगी? बेटा तुम तो मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ मम्मी, सच बात कर रहा हूँ। ये आपकी मासूमियत है ना, किसी दिन इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। आप खाला की बातें ना सुने, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। तो वो मेरी बहन है और वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती। नाइंसाफी, वक्त और हालात पत्थर के इंसान को भी बदल देते हैं, और ये तो फिर भी खाला जान है, और हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए, मत भूलिए इस बात को। किस तरह
दिखाने के बगैर। अरे क्या देखूंगी, अब तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। किसी तरह वक्त नहीं गुजरता, बस ये लगाकर बैठ जाती हूँ कि जरा जहन बढ़ जाए। सच पूछो तो अगर फरी ना होती तो मैं उम्र के साथ ही कुछ खा के मर गई होती। समीना, जवान बच्चे की मौत के बाद जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। समीना, मैं समझ सकती हूँ तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मगर ये अल्लाह की आजमाइश है और इसे सबर से बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है। समीना, तुमसे एक बात पूछूं अगर बुरा ना मानो तो? कहो। मेहरबानों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात वैसे नहीं जैसे पहले थे, और तुमने जो कल रात मुझे बताया मुझे यकीन नहीं आता। मेहरबानों कितनी मासूम लगती है, वो ये सब कैसे कर सकती है? बस लोग जो बज़ाहिर बहुत मासूम नजर आते हैं, उनकी मासूमियत के पीछे बहुत सी ज्यादतियां छुपी होती हैं। मेहरबानों असल में वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। पहले उसने मेरे बेटे को फांसा, उस वक्त जब हम उसका रिश्ता फरी की दोस्त से तय कर चुके थे, और फिर एक सरसरी सी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। तो क्या सड़क पे मुलाकात हुई थी? मैंने तुम्हें बताया था ना? हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया। तुम खुद सोचो, वो उमर जो किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, मुझसे कहता था कि जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं करूंगा। उस लड़की से मिलते ही बदल गया और कहने लगा कि ये रिश्ता तोड़ दे, अब मुझे उससे शादी करनी है। और अब वो हसन के सामने मजलूम होने का नाटक रचा रही है ताकि उसे भी अपनी तरफ खींचे। यकीन नहीं आता कि मेहरबानों ऐसी हो सकती है। और उसके बाद तो उसने हद कर दी। फरी के नाम से मुझसे कहा कि वो बिलाल से शादी नहीं करनी चाहती। शुक्र है कि मैंने अकल से काम लिया और फरी से पूछ लिया। वो बेचारी तो हक्का बक्का रह गई। उसके बाद उमर ने उसकी मंगनी का फैसला कर लिया। ये तो हमें बाद में पता चला कि मेहरबानों के बिलाल से भी ताल्लुकात रह चुके थे, और जानती हो उन्होंने रिश्ता तोड़ते वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा कि इद्दत के बाद बिलाल उससे निकाह करना चाहता है। अमीना, मेरे बच्चे को मरे हुए चंद दिन हुए थे, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। इद्दत पे बैठी थी और उसका आशिक रिश्ता भेज रहा था। तुम सोच नहीं सकती मुझ पे क्या गुजरी। अल्लाह उसका वास्ता अच्छे लोगों से करवाए। मैं तुम्हें जबरदस्ती यकीन दिलाना नहीं चाहती, वक्त खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं और बिलाल, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। इतना बड़ा इल्जाम,
देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्या घुमा दिया इसने? मम्मी वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। वो वाली वॉच, वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी, लेके आऊं? ये सब परिया करा रही थी मेरे साथ, यानी ये उसका बचपना नहीं था, ये उसकी मेरे लिए नफरत थी। कहाँ जाऊं मैं, किसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं किया? मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं अपने ही शोहर के घर में कितनी गैर महफूज हूं। हसन शामी कबाब लो ना। शामी कबाब? तुम्हें पता है मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है। पता है मुझे। खाला आपको कैसे लगे? बेटा बहुत मजे की। क्या बात है भाई, बड़ी सुगड़ होती जा रही है फरिया। हाँ, तुम जैसे लोगों की सोबत में रहूंगी तो सुगड़ हो ही जाऊंगी। और वैसे भी मुझे याद है कि तुम बचपन में खाला को बड़े मजे मजे के खाने बना के देते थे। अरे अब भी बना लेता है अगर टाइम हो इसके पास तो। मैं तो वैसे ही जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आजकल आराम है, इसलिए तो इतने चक्कर लगा लिए मैंने। अच्छा बस अब खुद को नजर मत लगाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। अभी तो तुम्हें बेटे की शादी करनी है, बहू ब्याह कर लानी है। नहीं खाला जान, अभी नहीं, मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि 3-4 साल मुझे आजाद रहने दें। अरे बेटा ये भला क्या बात हुई, हर माँ को अरमान होता है कि जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। बस अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए ताकि बहू आकर जरा अमीना की भी तो खिदमत करे। क्या पता इस बात का उलट हो जाए, अम्मी की खिदमत करने की बजाय अगर उसने अम्मी से खिदमत करवानी शुरू कर दी तो। अरे अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी मैं सोच रहा था फरिया कि भाभी सुबह से कमरे में बंद है, एक प्लेट खाने की बना के उनको दे। हाँ बेटा हसन ठीक ही तो कह रहा है, मेहरबानों के कमरे में उसे खाना दे। मैं कोई उसकी नौकरनी लगी हुई हूँ जो उसको खाना दे दे के आऊं? आपको इतनी मोहब्बत है ना अपनी बहू से, खुद दें। मेरी समझ में नहीं आता फरी कि तुमने क्यों इतनी बदतमीजी। मैं जितना इस मामले को संभालने की कोशिश करती हूँ तुम उतना ही बिगाड़ती हो। हाथों इंतहा होती है कोई बदतमीजी की। अम्मी आपको अच्छी तरह पता है कि उनके नाम से मेरे तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन आप फिर भी मुझे बोल रही थी कि उनके चाय दे के आओ। अरे तो ना देती चाय, लेकिन उनके सामने बदतमीजी तो ना करती। ये तो समझ में नहीं आता भाई। मैं तो ऐसी ही हूँ। ऐसी हो तो फिर ऐसी रहो, इसके बाद मेरी खुशामद मत करना कि खाला को राजी कर लें। अम्मी आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा गुस्सा ऐसा ही है और मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है। इस महीने की तो तारीख निकल गई थी, मैंने सोचा था अमीना हसन को राजी कर लेगी समझा बुझा के, और मैं अगले महीने किसी तारीख पे तुम्हें रुखसत कर दूंगी, मगर तुम तो हर मर्तबा एक नया तमाशा खड़ा कर लेती हो। अच्छा टेंशन तो ना लें आप, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस भाभी को यहाँ से रफा दफा करें, जब तक वो इस घर में रहेगी ना मेरा कुछ नहीं हो सकता। शायद तुम भूल रही हो, हम अगर इस घर में है ना तो उसकी वजह से, उसे निकालेंगे तो कल हम भी सड़क पे होंगे। समीना, हसन ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन फिलहाल वो शादी नहीं करना चाहता। तुम तो जानती हो किस रिश्ते में कितनी उलझनें पैदा हुई हैं। ये बार बार इनकार इकरार से वो उकतासा गया है। अमीना मैं क्या करूं, फरी में अभी तक बचपना है, लेकिन उसे तुमसे और हसन से खास किस्म की उनसियत है। ये बात उसने खुद मुझसे कही है और इसी वजह से वो अपने आप को बदलने को भी तैयार है। समीना मैंने इससे कब इनकार किया, लेकिन मैं हसन के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो फरिया के हक में खुद फैसला करे। तुम परेशान मत हो, मैं हसन से बात करूंगी। खाला I'm sorry खाला,
मैं मुझे ना बस गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा और आप प्लीज नहीं जाए, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा आपके बगैर। अरे बेटा मैं तो पहले ही जा रही थी, तुमसे नाराज होके थोड़ी जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। अच्छा भाभी से तो मिल ले। अरे छोड़ो बेटा, ऐसे ही दिल खराब होगा, और वैसे भी चेहरे से जो लोग नजर आते हैं वो अंदर से होते भी। तुम समीना का और अपना ख्याल रखना, चले। चल अल्लाह तुम्हें सबर दे मेरी बच्ची, तुम्हारा गम देखकर तो मेरा दिल कट रहा है। कितने लाडों से ब्याह था नफरत ने तुम्हें, उसकी रूह भी तड़प रही होगी तुम्हें इस हाल में देखकर। बेटा बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी भी किसी को प्यासरा नहीं छोड़ता है। अल्लाह मेरा तो अब कोई दुख सुनने वाला भी नहीं है, मैं अकेली रह गई, मत रो बेटा, सब्र करो। मेहरबानी कुछ तो बात करो। नहीं सबा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। नहीं बेटा दरअसल तुम इद्दत में थी ना, तो मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा, और फिर इसके ससुराल वालों को जल्दी भी बहुत थी, उन्होंने वापस जाना था, इसीलिए मजबूरी में इसका निकाह करना पड़ा। और फरहत के जाने के बाद तो मैंने वैसे भी सोच लिया था कि ये घर अब मैं किसी को भी किराए पर नहीं दूंगी, मेरी किराएदारी नहीं मेरी बहन जैसी थी, और जैसे मेरे लिए सबाए बिल्कुल वैसे ही तुम मेरे लिए हो। अभी मैं कुछ दिनों के बाद दुबई चली जाएगी और मुझे सऊदी अरब जाना है, इसीलिए बेटा मजबूरी में मैंने वो घर फरोख्त करने के लिए सोचा है। मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछने आई थी कि उस घर में जो फरहत का सामान रखा हुआ है उसका क्या करना है। खाला आप लोग भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, एक पैके के नाम पे आप ही का तो घर था मेरे पास, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा। खाला मुझे अम्मी का सारा सामान दे दे, मुझे उनका सारा सामान चाहिए, मैं सब कुछ रखूंगी अपने पास। अब भाभी इस घर में वैसे ही जगह नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा सामान है, खुद के रहने की जगह नहीं है, आप और सामान लाने की बात कर रही हैं। तो फिर खाला वो जो अम्मी की मेज और कुर्सी थी ना जिस पे वो बैठ के स्कूल की कॉपियां चेक किया करती थी, मुझे वो दे दे, मैं उनकी एक एक याद संभाल के रखूंगी, वो मुझे दे दे। देखो बेटा फरी ठीक कह रही है, घर में जगह नहीं है, और देखो सामान जो है ना वो तो रखे रखे खराब हो जाता है, इससे बेहतर नहीं कि किसी जरूरतमंद को दे दे, वो इस्तेमाल कर ले, किसी के काम ही आ जाए। हाँ आंटी आप ऐसा करिएगा कि वो चीजें किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा या किसी कबाड़े वाले को दे दीजिएगा, किसी काम आ जाएगी, ऐसी पड़े पड़े यहाँ खराब हो जाएंगी। अम्मी वो भाभी की इद्दत तो अब खत्म हो गई होगी। हाँ सबीना बता रही थी कि उसकी इद्दत खत्म हो गई है। तो अब क्या हालात है वहां पे? पता नहीं बेटा, और मैंने कुरेदा भी नहीं।
वैसे मुझे तो भाभी की बातें बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। उन्होंने अपना जेवर, पैसा, यहां तक कि जो कुछ उमर ने उन्हें दिया था वो भी खाला जान को दे दिया। मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ भी नहीं रखा अपने पास। ये बातें सुन सुनकर मैं तो और उलझती ही चली जा रही हूँ। पता नहीं उन लोगों के क्या मसाइल हैं। यहाँ तुम कुछ और कह रहे हो और वहाँ समीना कुछ और। क्या कहा खाला जान? समीना ने मेहरबानों के बारे में जो कहा उसे सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। कह रही थी कि उमर का रिश्ता कहीं और तय हुआ था। मेहरबानों उसे सड़क में मिली थी और पहले ही मुलाकात में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। और उमर की मौत के बाद फरी के मंगेतर के साथ पता नहीं उसने क्या चक्कर चलाया कि वहां से रिश्ते से इनकार हो गया। स्ट्रेंज, हमें कुछ और दिखाई दे रहा है और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। पता नहीं बेटा, समझ नहीं आता किसका यकीन करूं किसका नहीं करूं। खैर, उनके घर का मामला है, हम लोग क्या बोले। मैं बताना भूल गया आपको, वो कराची में एक फर्निश्ड अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया है। सो जब तक बिजनेस सेटअप नहीं होता सही तरह से तब तक हम वहीं रहेंगे, फिर हम अपने घर में मूव कर जाएंगे। चलो अच्छा है बेटा, सारे कामों से निपट जाओ। ये रोज रोज का आना जाना भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा फिर। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे मोहलत मांगी थी और वो भी खत्म हो गई, लेकिन आप भी तो हमारी मुश्किल का अंदाजा लगाइए, कुछ थोड़ा वक्त और दिलवा दीजिए। सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं, मैं उनका मुलाजिम हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। आपके पास सिर्फ 15 दिन है, वो भी मैं आपको अपनी जिम्मेदारी में दिलवा रहा हूँ। लेकिन 15 दिन में कैसे मकान तलाश करेंगे हम? देखिए, हमारा नया इंजीनियर आ चुका है, उसे कंपनी ने गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। उसकी फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना है, ऑफिस उसे कब तक वहाँ रखेगा? प्लीज थोड़ा सा तो वक्त और दिलाते, हमारा कोई भी नहीं है जो मकान ढूंढेगा, कोई मदद करने वाला नहीं। MD साहब ने उमर साहब के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपके घर में से किसी को जॉब पर रख सकते हैं। घर तो आपको हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा, इसके लिए हम आपको मजीद टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, मैं अपनी बेटी से, मैं जॉब करने को तैयार हूँ, आप मुझे जॉब दिलवा सकते हैं? हाँ, एक जॉब मिल सकती है, मगर वो लोअर लेवल की होगी और उमर साहब जैसी तनख्वाह भी नहीं होगी। मैं कर लूंगी, आप बस मुझे नौकरी दिलवा दें। ठीक है, कल आप ऑफिस आ जाइए, वहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। ओके, मैं चलता हूँ। मुझे उमर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी ना?